हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ दीज विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। तो हमें बतानी है कि इनमें से किसके सॉल्यूशन के जो पीएच है वो हाईएस्ट होगा। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा वो क्या होगा? इट विल बी बेसिसिटी ऑफ मेटल्स। तो जब भी कोई मेटल क्लोराइड वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है मेटल हाइड्रोक्साइड्स में। फॉर एग्जाम्पल, BeCl2 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? हाइड्रोक्साइड में, BeOH फुल ट्वाइस। सो सिमिलरली बाकी सभी भी किसमें कन्वर्ट होंगे? तो इट विल बी BeOH फुल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम OH होल थ्री एंड लिथियम OH। तो जो BeOH होल ट्वाइस होता है वो क्या होता है? ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नाउ जब हम पीरियोडिसिटी देखते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो बेसिसिटी है वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। सो द बेसिसिटी विल इंक्रीज। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो बेसिसिटी है वो क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। अब क्योंकि BeCl2 का जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो एम्फोटेरिक होगा, तो हम बाकी सबके चेक करते हैं। तो बाकी सब में आता है Ba, एल्यूमिनियम एंड लिथियम। तो जो बेरियम होता है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट होता है? वो होता है सिक्स पीरियड का एलिमेंट। इट इज अ सिक्स पीरियड एलिमेंट। एल्यूमिनियम किसका होता है? एल्यूमिनियम होता है थर्ड पीरियड का। और जो लिथियम है वो किसका होता है? वो होता है सेकेंड पीरियड का। तो हमें पता है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, दैट मीन्स जब भी पीरियड्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? बेसिसिटी है वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। दैट मीन्स कि जो बी ए है, जो बी ए ओ एच होल स्क्वेयर है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? हाईएस्ट बेसिसिटी होगी। हाईएस्ट बेसिसिटी होने का मतलब कि इसकी पीएच भी क्या होगी? हाईएस्ट। तो इट विल हैव हाईएस्ट पीएच। सो इट विल हैव हाईएस्ट पीएच। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ए सी एल टू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।